किसी मशहूर शायर ने क्या खूब कहा है, जब आ जाती है दुनिया घूम फिर कर अपने मरकज पर, तो वापस लौट कर गुजरे जमाने क्यों नहीं आते। नमस्कार, मैं हूं अंजलि त्यागी। आज हम बात कर रहे हैं देश के इतिहास से जुड़ी उस धरोहर के बारे में जो गुजरते दौर के साथ अपनी बेरुखी पर आंसू बहा रही है। तकनीकी दौर में हम भले ही आगे बढ़ने का दावा जरूर करते हैं, लेकिन यदि इतिहास को संजोया नहीं गया तो विकास के मायने समझ नहीं आएंगे। कुछ ऐसी ही हालात है मेवाड़ के गौरव कहे जाने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। एक दौर था जब कुछ वर्ष पहले तक विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ के शहरी और दुर्ग क्षेत्र में करीब 200 वर्ष पुरानी 84 प्राचीन कुंड, बावड़िया, दुर्ग और शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए मुख्य जल स्रोत हुआ करते थे, जो अब पुरातत्व विभाग और नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी के चलते जर्जर हालत में पहुंचने के साथ ही कचरा पात्र में तब्दील हो रहे हैं। पेयजल में जब देश आजाद हुआ और 1955 में जब आरकुल जी गलाई, तो कुछ आबादी फोर्ट की नीचे चित्तौड़ शिफ्ट की गई, तो फोर्ट में जो जलाशय थे उनका पानी नीचे जाता था और वो पानी पीने के उपयोग में वो लोग लेते थे। अभी भी शहर में 8-9 बावड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें 2-4 बावड़ियाँ अभी भी पेयजल में काम में ली जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर सरकार अगर ध्यान देवे तो संरक्षण और पुराना जो इतिहास है वो सजो के रखना है, तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारी टीम ने हालात की जानकारी लेने के पश्चात ये पाया कि ज्यादातर प्राचीन धरोहर अब खंडर होने के कगार पर पहुंचने के साथ ही कचरा पात्र में भी तब्दील हो गए हैं। तो वहीं जब इस बारे में स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी कुंड और बावड़ियां एक दूसरे से ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जिस कारण सभी में पानी की आवक बनी रहती है। कुछ वर्ष पूर्व तक इन सभी कुंड और बावड़ियों का पानी दुर्ग और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पेयजल का मुख्य स्रोत था, लेकिन अब इनकी देखरेख न होने के कारण इसमें पानी का ठहराव नहीं होता और यहाँ करीब 10 फीट तक कचरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी जानकारी देते हुए दुर्ग पार्षद अशोक वैष्णव ने बताया कि सभी प्राचीन धरोहरों के रखरखाव के लिए विशेष प्रयास करने की अत्यधिक आवश्यकता है। जैसा कि पुराने लोग और गाइड वगैरह जो हिस्ट्री में बताते हैं, 84 जलाशय किले पर है मौजूद, जिसमें से 4 या 5 पूरे 12 महीने भरे रहते हैं, बाकी बारिश के पानी में भरते हैं और खाली हो जाते हैं। एक्चुअली केंद्र सरकार का जो एक सिस्टम है, जो पुरातत्व विभाग के अधीन इस किले को उन्होंने दे रखा है, समय समय पर इनके ऊपर बजट आता है या नहीं आता है ये तो अधिकारी ही बता पाएंगे, लेकिन इन जलाशयों के ऊपर कोई विशेष बजट सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता है, जिससे इनकी अनदेखी हो रही है। पिछले 5-10 सालों से ऐसा कोई कार्य इन जलाशयों के लिए हुआ नहीं है, और अभी वर्तमान में अगर कुछ करे सरकार तो अच्छा है। पुरानी सब्जी मंडी चूड़ी बाजार में बनी तोशनीवाल जी की बावड़ी के मालिक रामनिवास तोशनीवाल ने बताया कि लगभग 200 वर्ष पूर्व संवत 1860 में करीब 150 फीट गहरी इस बावड़ी का निर्माण प्राचीन काल में करवाया गया था, जिसका बापी पट्टा अंग्रेजों के समय में बनवाया गया था। इस बावड़ी से आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ट्यूबवेल और हैंडपंप के माध्यम से 12 महीने तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। इसके रखरखाव की समस्त जिम्मेदारी नगर पार्षद की है, फिर भी कई वर्षों से अधिकारियों ने इसकी सुध तक नहीं ली। ऐसा है, इसके अंदर बहुत ही कचरा पड़ा हुआ है, आसपास के सब लोग कचरा डालते हैं और अंदर कचरा भी सफाई 3 महीने पहले थोड़ा सा सफाई किया था, परंतु कचरा यूं कहीं एज इट इज रखा हुआ है, बाहर मतलब निकाल के फेंका नहीं है पूरा। और अभी जो ये बावड़ी है जो पीने के पानी में काम आ रही है, कम से कम मोहल्ले की 3-4 बस्तियों को ये पानी मिल रहा है बराबर, और ट्यूबवेल जो लगा हुआ है इसके सारे 600 फीट गहरा है, 600-700 फीट गहरा, और जो नेचुरल रिसोर्सेज जो पानी आता है बरसात का जो इकट्ठा होता है, फुल होती है बावड़ी जब भी पानी गिरता है, या पूरी बावड़ी और इसके पड़े लगते हैं मार्केट के अंदर और उन पड़ों से पानी बाहर जाता है, क्या ये लगभग 200 वर्ष से ज़्यादा पुरानी है। हम भी इसकी रख रखाव करते हैं, समय समय पर कचरा निकलवाते हैं, और प्रशासन को भी चाहिए कि इसका रखरखाव मतलब समय समय पर कचरा निकलावे तो अच्छा स्वास्थ्य पर रहेगा और पानी स्वच्छ रहेगा और पीने में काम लोगों के आता है वो पीने में काम आता रहेगा। प्रशासन से ये मांगते थे हमारी इस बावड़ी को स्वच्छ मतलब सफाई की जाए पूरी तरह से, नीचे से ऊपर तक पूरा कचरा निकला जाए इसका।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।